रंजू अपनी सास नीलम और अपने पति योगेश के साथ रहती थी। वो अपने परिवार वालों के साथ खुशी से रह रही थी, लेकिन उसके अंदर एक खामी थी। वह बहुत ही गुस्सैल और चिड़चिड़ी थी। जब रंजू का मूड ऑफ होता तब रंजू के मुंह पर हमेशा ही गालियां रहती। ऐसी एक दिन की बात है, सुबह सुबह का समय था। रंजू चाय लेकर अपने कमरे में अपने पति को उठाने के लिए आती है, और जैसे ही वो कमरे में जाती है वैसे ही योगेश को बालकनी पर खड़े देख तुरंत चाय का कप टेबल पर रखती है और जाकर बालकनी में देखती है। बालकनी के छज्जे से रंजू को कोई और नहीं बल्कि उसकी पड़ोसन दिखाई देती है। उसे देखकर रंजू को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में गालियां देते हुए उसे बोलती है, अरे हराम खोर कमीनी, करम जली कहीं की तुझे शर्म नहीं आई? तू औरत है या औरत के नाम पे धब्बा? अपना पति होने के बावजूद दूसरे के पति पर नजर मारती है? अरे अरे अरे, ये क्या बोले जा रही हो तू? हाँ, मैंने तेरे पति के ऊपर कब नजर मार ली जो तू ऐसा बोल रही है? हाँ हाँ, तू तो बहुत ही खूबसूरत है ना। अरे तेरे मुँह पर तो कोई कौआ भी नहीं पॉटी करेगा। जा, मेरा पति मेरा है। अरे अरे, तो तेरे पति को बुला ही कौन रहा है? हा? जो तेरा पति मुझे घूरे जा रहा है उसको देख। अरे अरे, अपना थोबड़ा देखा है तूने? कल्लो जैसी तेरी शक्ल है, काली कुतिया की तरह है। ऊपर से मेरा पति, अरे मेरा पति तो थूकने भी नहीं आएगा। अरे रंजू बस भी करो, तुम कितना बोल रही हो। इस कमीनी ने आपको लेकर बोला कैसे? अरे मैं इसका मुंह नोच लूंगी। और आपकी तरफ से नजर कैसे मारी? मैं उसके पति को घूरती ही हूँ। मैं तो उसकी तरह उसके पति को नहीं घूरती जो वो चली आती है मेरे पति को घूरने। ये सुनकर उसकी सास नीलम वहाँ आती है और अपनी बहू से सारी बात पूछती है। उसकी बहू तो गुस्से में थी ही, इसलिए योगेश उसको सारी बात बता देता है। यह सब सुनकर उसकी सास रंजू से बोलती है, अच्छा अच्छा, ठीक कर, बस कर बहू, छोड़ दे, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए, समझी। और अब रंजू अपने घर में शाम का खाना बनाने के लिए जाती है कि तभी उसके फोन पर रंजू के पति योगेश का फोन आता है। और फोन पर योगेश रंजू से बोलता है, हेलो रंजू, मैं अपने कुछ दोस्तों को घर लेकर आ रहा हूँ, तुम रात का डिनर जब बनाओगी तो दोस्तों के लिए भी बना देना। अच्छा ठीक है, कितने लोग आ रहे हैं आप मुझे बता दीजिए। राज और विक्रम ही आ रहे हैं बस। इतना कहकर वह दोनों अब फोन काट कर रख देते हैं, जिसके बाद अब खाना बनाकर वह अपने पति का इंतजार करने लगती है। रात के 11 बज चुके थे कि तभी रंजू के घर की डोर बेल बजती है। थोड़ी देर बाद जाकर रंजू दरवाजा खोलती है, जहां योगेश के साथ राज और विक्रम भी थे। ये तीनों अंदर आते हैं और खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाने के टेबल पर बैठे बैठे विक्रम योगेश से बोलता है, भाई मानना पड़ेगा, तुझे तो हीरा मिला है, हीरा। भाभी देख कितनी सुंदर है, और उनके हाथों का यह खाना और भी लजीज लग रहा है देखने में। अरे ठीक है, चलो अब खाना खा लो। वह लोग खाना खाने के लिए जैसे ही बैठते हैं वैसे ही राज योगेश के कपड़ों पर पानी गिरा देता है। यह देखकर अब योगेश कपड़े बदलने के लिए जाता है। एक तरफ तो योगेश कपड़े बदलने जाता है, वहीं दूसरी तरफ रंजू अपने किचन में खाना बना रही थी। राज रंजू के पास जाता है और विक्रम योगेश को बेहोश कर देता है। राज रंजू को पीछे से पकड़ता है, तभी रंजू उसे गालियां देते हुए बोलती है, कौन है रे चूतिया, आ गया मेरे पास? भाभी आप हमेशा योगेश को खुश करती हो, कभी हमें भी कर दो। तेरी माँ की आँख, तेरे घर में तेरी माँ नहीं है, तेरी बहन नहीं है जो तू मेरे पास आ रहा है? अगर तुझे लड़कियाँ इतनी पसंद है तो जा अपनी माँ बहन के पास जा। विक्रम उसके मुंह से इतनी गंदी गंदी गालियां सुनकर हक्का बक्का रह जाता है, और जिसके बाद अब दोनों रंजू के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। रंजू अब उन्हें चिल्ला चिल्ला कर गालियां देने लगती है। उसकी गालियों की आवाज उसकी सास के कानों तक पहुंचती है। उसकी सास अचानक उठती है और नीचे आकर जब देखती है तो उसके घर में इस तरह का ड्रामा चल रहा था। यह देखकर नीलम सबसे पहले पुलिस को फोन करती है, जिसके बाद वह एक लाठी उठाकर राज और विक्रम के सर पर मार देती है। जैसे ही नीलम उन दोनों के सर पर डंडे से प्रहार करती है वैसे ही वह दोनों बेहोश हो जाते हैं, और कुछ समय बाद पुलिस आ जाती है। पुलिस के सामने रंजू एक बार और गाली देते हुए बोलती है, ले जाओ इन कमीनों को और इनकी भूख और प्यास दोनों ही अच्छे से पुलिस स्टेशन में बुझा देना। रंजू उसको गालियां दे ही रही थी कि तभी योगेश को होश आ जाता है और वह दौड़ते हुए आता है, जहां अब उसको सब कुछ मालूम चल जाता है। पुलिस उन दोनों को अरेस्ट करके ले जाती है, और अपनी बहू को गालियां देते हुए देख उसकी सास नीलम उससे बोलती है, आखिर हमारी बहू की गालियां काम आ ही गई, ये तो हमारी गालियों वाली बहू है। उसकी बात से योगेश नीलम और रंजू तीनों ही ठहर के मार मार के हंसने लगते हैं और खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं।